हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके हिंदी व्याकरण की महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। जैसे कि प्रश्न क्या है भाई, प्रसाद गुण को आपको उदाहरण से ही समझाना है, अगला क्वेश्चन है ओज गुण को उदाहरण से ही समझाना है, फिर माधुर्य गुण, तो ये गुण वाले से ए है, ठीक है, शब्द गुण से, फिर शब्द शक्ति से आपका तीन क्वेश्चन है, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। तो इन तीनों की परिभाषा हम लोग उदाहरण से समझने वाले हैं, तो वीडियो को बहुत ध्यान से समझना, जिससे अगर अगर आपकी एग्जाम में आता है तो ये आपसे बन जाए और आप चीजों को अच्छे से समझ पाओ। तो फर्स्ट, सबसे पहले जो है हम लोग देख लेते हैं वो क्या है भाई, प्रसाद गुण, ठीक है। तो देखो, प्रसाद गुण की सिंपल सी परिभाषा होती है ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाता है। मतलब अगर कोई रचना है, अगर हम उसको पढ़ते हैं तो वो आसानी से हमें समझ आ जाता है, तो वो कौन सी होती है, प्रसाद गुण होती है। वहां पर इसमें देखो, अर्थात जब बिना किसी विशेष प्रयास के, मतलब कोई एकदम हमें अर्थ ग्रहण करने की जरूरत नहीं, एकदम बहुत ज्यादा उसको बोल सकते उसको पर्यायवाची शब्द ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो अगर हमें पढ़ने मात्र से आसानी से समझ आ जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, प्रसाद गुण कहते हैं। जैसे कि हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गणों को दूर हमसे कीजिए, तो ये पढ़ने से समझ आ रहा है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं ये। फिर इसलिए लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने, तो इसको भी पढ़ने समझ आ रहा है। तो इस टाइप की जितनी भी काव्य रचना होती है उसे ही हम लोग प्रसाद गुण कहते हैं, क्लियर है। नीचे भी देख लेना, उस पर दिया चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, इसको आपको करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके ओज गुण की परिभाषा देख लेते, फिर इसके उदाहरण देख लेंगे हम लोग। देखो ओज गुण क्या है, प्रसाद गुण तो जो आसानी से समझ आ जाए है ना, उसको बोल रहे थे। अब ओज गुण, ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ने से चित्त में जोश, तीव्रता, वीरता, उल्लास आदि के भाव उत्पन्न हो, मतलब एकदम जोश जुनून वाली जो आ जाती है, एकदम मोटिवेशन हो जाते हैं, उस मोटिवेट हो जाते हैं उन चीजों को पढ़ करके, तब उसे ही क्या बोलते हैं, ओज गुण कहते हैं। और ओज गुण में देखो वीर रस, रौद्र, भयानक, विभत्स आदि रसों की रचना में ओज गुण पाया जाता है, जो वीर रस हो गया, रौद्र रस हो गया, भयानक रस, विभत्स रस, इन सब में कौन सा गुण पाया जाता है, ओज गुण पाया जाता है। तो इसके भी उदाहरण देख लेते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ पाए। आपकी स्क्रीन पर आ गए, अभी देखो क्या ये वाली, सबसे बुंदेले हरबेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इस तरीके से इसको कर सकते। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी करना होगा, ठीक है। इस तरीके से इन सबको जिसमें इसको देखो पढ़ने से ऑटोमेटिक दिमाग में क्या आ जाती है, एकदम जोश आ जाती है ना, तो उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, ओज गुण कहते हैं। फिर आगे देख लेते हैं माधुर्य गुण। माधुर्य गुण की देखो सिंपल से इसको अगर समझना है तो आपको बहुत आसानी समझ सकते हो। हृदय को आनंद, उल्लास द्रवित करने, मतलब जिसको पढ़ करके हमें खुशी अनुभव होती है उसे ही क्या कहते हैं, माधुर्य गुण कहते हैं। अर्थात ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़कर चित्त में श्रृंगार, करुण, शांति के भाव उत्पन्न होते हैं उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, माधुर्य गुण कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा इधर, ठीक है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंह करे भवनी हसै देन कही नटी जाए, इस तरीके से जितने भी होती है जिसको पढ़ने से मन में शांति का अनुभव होता है उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, माधुर्य गुण कहते हैं। खुशी का अनुभव होता है उसे माधुर्य गुण कहते, क्लियर है। तो ये रहा आपका शब्द गुण से। अब देख लेते शब्द शक्ति से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें से तीन आपका इसमें से है ना। सबसे पहले तो जान लो कि शब्द शक्ति कहते किसे, तो आपकी स्क्रीन पर है शब्द शक्ति। देखो जब शब्द अपना एक निर्धारित अर्थ नहीं रखते, हर एक शब्द मतलब है एक शब्द का अनेकों अर्थ होते हैं ना, शब्द अपना एक निर्धारित अर्थ नहीं रखते, शब्दों का अलग अलग संदर्भों में प्रयोग होता है तब उनके अलग अलग अर्थ निकलते, ठीक है। देखो अलग अलग अर्थ निकल, अलग अलग अर्थ का ज्ञान कराने वाले शब्द को ही शक्ति को ही शब्द शक्ति कहते हैं। मतलब कोई एक शब्द अलग अनेक अर्थ निकालता है तो उससे उस शक्ति को ही हम लोग शब्द शक्ति कहते, ठीक है। शब्द शक्ति के तीन प्रकार होते हैं, अभिता, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो ये तीनों की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर है अभिधा शब्द शक्ति। तो इसमें देखो शब्द को सुनने पढ़ने के बाद श्रोता को शब्द का लोक प्रसिद्ध अर्थ तुरंत प्राप्त होता है, मतलब जैसे कि उसमें हम लोग का प्रसाद गुण के जैसे ये भी है, अगर उसका अर्थ लोक मतलब वैसे ही होता है उसका अर्थ, दूसरा कुछ नहीं होता, ठीक है, सिंपल उसकी सटीक अर्थ है, तो उसको ही हम लोग अभिधा शब्द शक्ति कहेंगे। जैसे कि मोहन पढ़ रहे,
गीता गा रही है, बकरी चल रही है, इस तरीके से ये आसानी से मतलब वो चल रही है तो चल रही, पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, एकदम उसका तो दूसरा अर्थ नहीं हो सकता ना। तो इसको ही क्या बोलेंगे हम लोग, अभिधा शब्द शक्ति, मतलब परिभाषा कैसे लिखोगे, ऐसे शब्द जिसको पढ़ने से आसानी से श्रोता को समझ आ जाए, ठीक है, सुनने या पढ़ने से श्रोता या पाठक को आसानी से समझ आ जाता है, उसे हम लोग अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। क्लियर। फिर अगला है इसकी परिभाषा देख लो क्या बोला जा रहा है कि लक्षणा शब्द शक्ति, इस पर लक्षणा शब्द की वह शक्ति जिसमें लक्षार्थ प्रकट हो, जब कोई शब्द अपने मुखार्थ को छोड़कर तत्संबंधी विशेष अन्य अर्थ को, मतलब कोई शब्द अगर उसको पढ़ करके वो जो लिखा है वो अर्थ नहीं है उसका, अलग ही अर्थ होती है, तो उसको हम लोग लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे उदाहरण आपको ज्यादा समझ आएगा, छत्तीसगढ़ जाग उठा, छत्तीसगढ़ जाग उठा मतलब छत्तीसगढ़ नहीं जागेगा, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के निवासी, छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोग जागेंगे, तब जाके हम लोग बोलेंगे कि छत्तीसगढ़ जाग गया, छत्तीसगढ़ नहीं जागेंगे, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के रहने वाले लोग जागेंगे, वहाँ के लोगों का विकास होगा तब हम लोग बोलेंगे, वहाँ के लोग जागरूक होंगे तब जाके हम बोलेंगे कि छत्तीसगढ़ जाग उठा। आया समझ, मतलब अन्य अर्थ हो रहा है ना, जो लिखा अलग है लेकिन अर्थ उसका अलग है। जिसमें देखो इसका देखो, देखो गांव का शेर आया, हम लोग बोलते ना देखो गांव का शेर आया, मतलब वहां पर शेर नहीं आते रहता, कोई जो है बहादुर व्यक्ति आते रहता है, कोई साहसी व्यक्ति आते रहता है, जो गांव के लिए मर मिटने के लिए आतुर रहते हैं, ऐसे व्यक्ति आते रहते हैं, तब जाके हम लोग इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। मतलब शब्द अलग है लेकिन अर्थ अलग होती है, क्लियर है, तब वहां पर क्या होती है, लक्षणा शब्द शक्ति होती है। फिर व्यंजना शब्द शक्ति की देख लेते हैं, इस पर देखो इसकी परिभाषा, व्यंजना शक्ति केवल अर्थ का संकेत मात्र देती, ये अर्थ का संकेत मात्र देती है, बाकी अर्थ अन्य कल्पना शक्ति के आधार पर अलग अलग हो सकता है इस पर, ठीक है। जैसे कि उस पर हमने ऊपर में देखो तो उसका सिर्फ एक ही अर्थ हो सकता है, मतलब शब्द अलग है लेकिन अर्थ अलग हो, लेकिन इसमें अलग अलग हिसाब से अलग अलग अर्थ हो सकता है। देखो पानी गए ना उभरे मोती मानस चून, इस तरीके से तो इसकी अर्थ अलग हो सकती है। उसी तरह एक मन मोहन तो बस के उजारियों मोही, ही हमें अनेक मन मोहन बसायो ना, तो इसका देखो अलग अलग अर्थ हो सकता है, अलग अलग कवि के हिसाब से अलग अलग व्याख्या करता क्या आधार पर है ना, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, व्यंजना शब्द शक्ति। क्लियर है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आपके आई थिंक आपके 6 क्वेश्चंस की जो डाउट है वो दूर हो गया होगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे, ताकि उनको भी इस तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियोज जो है उनका बेनिफिट मिल पाए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।